ढाई साल के बच्चे की विध्वंस हत्या के खिलाफ जब सड़क से सोशल मीडिया के साथ हंगामा मचा तो पुलिस भी जागी और यूपी सरकार भी। दो आरोपी धरे गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के हवाले से साफ किया कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। मामले को आपसे रंजिश का बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता ने मुख्य आरोपी को 40,000 रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने 35,000 वापस कर दिए थे। बचे हुए 5,000 रुपयों के लिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जो पीएम जो डॉक्टर्स तीन पैनल के डॉक्टर्स ने मिलकर किया है, इन दैट देर इज़ नो मेंशन ऑफ रेप और नो मेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, नो मेंशन ऑफ एसिड और एनी केमिकल विच हैज बीन यूज्ड ऑन द बॉडी। अलीगढ़ पुलिस सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है। पुलिस बाकायदा अभियान चलाकर सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों का जवाब दे रही है। अलीपुर हत्याकांड की गाज पुलिस वालों पर भी गिरी। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये हैं खुशपाल सिंह इंस्पेक्टर, सत्यवीर सिंह एसआई, अरविंद कुमार एसआई, शमीम अहमद एसआई, राहुल यादव कांस्टेबल। 31 मई को ही बच्ची के गुमशुदगी की शिकायत पुलिस के पास की गई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब 2 जून को बच्ची का शव मिला और सोशल मीडिया पर मामला गर्मा गया, तब जाकर पुलिस की नींद खुली। घरवालों का कहना है, पुलिस अगर वक्त रहते जाग गई होती तो शायद मासूम की जान नहीं जाती।